आज हम दिखाने वाले हैं आप लोगों को पटना जू। तो अभी हम पटना जू के पास में पहुंच चुके हैं। ये सीधा सामने आपको एंट्री गेट दिख रहा है और इसके जस्ट बगल में यहाँ पे टिकट काउंटर है। तो पहले चलिए टिकट लेते हैं। तो टिकट लेने के लिए हम देख सकते हैं काउंटर के पास में आ गए हैं, लेकिन ये क्लोज है, बंद है। लेकिन इसके बगल में यहाँ पे देख सकते हैं टिकट मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने टिकट ले लिया है, 30 रुपये का है। और यहाँ से एंट्री करेंगे। एंट्री करने के वक्त आपके बैग को चेक किया जाएगा ताकि आप अंदर पानी का बॉटल नहीं ले जा सकते हैं। देख सकते हैं ढेर सारा जो बॉटल है उसे निकाल दिया गया है। तो फाइनली अब हम दोस्तों बाहर से हम अंदर एंट्री कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एंट्री करने वाला बनाया गया है, सभी लोग एंट्री कर रहे हैं। और वहाँ पे सामने देख सकते हैं टिकट को चेक किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे चेक होने के बाद आप अंदर में आ जाएंगे पटना जू में। तो जू में आते ही आपको कुछ इस प्रकार से हरियाली और फूलों का देखने को मिलेगा काफ़ी बेहतरीन तरीके से। और अब यहाँ पर आने के बाद आपको काफ़ी बेहतरीन सा फील होगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं और पटना जू को देखते हैं। काफ़ी सारा इसमें जीव जंतु है, उसे हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो पटना जू में पहुंचने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों गाड़ी का सुविधा है। अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। ये गाड़ी रहता है और इससे आपको पूरा जू घुमाया जाएगा, या फिर आप पैदल भी घूम सकते हैं। तो चलिए हम तो पैदल ही घूमेंगे क्योंकि घूमने में हमें ज़्यादा समय लगेगा इस वजह से। तो दोस्तों चिड़ियाघर में एंट्री करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं तेंदुआ है, और तेंदुआ इसमें है बहुत अच्छे तरीके से दिख भी रहा है। चलिए नज़दीक से चलते हैं और आपको अच्छे से बिल्कुल दिखाते हैं। हमने देख सकते हैं तेंदुआ का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे काफी सारे लोग देख रहे हैं। तो वहाँ पे देखिए सामने सीधा तेंदुआ दिख रहा है और नीचे ये आ रहा है। वाओ, काफी बेहतरीन तरीके से देखिए नीचे आ गया। यहाँ पे देख सकते हैं चिंपांजी का बोर्ड लगाया गया है और अंदर में दिख भी रहा है वहाँ पर। तो चलिए यहाँ से चलने वाला है और चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं गोरिल्ला है और गोरिल्ला के यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है जानवरों को खाने के लिए किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ ना दे। और यहाँ से आप चलिए आगे चलते हैं और दिखाते हैं। तो दोस्तों वहाँ से आने के बाद कुछ आगे आए हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं शेर है बना हुआ और काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है। और यहाँ से इस तरफ दिखा है तो हल्का सा आगे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पे शेर है। तो चलिए आगे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पे है और देख रहे हैं। तो चलिए तो दोस्तों वहाँ पे देख सकते हैं सामने शेर जो है वो अभी सोया हुआ है। देखिए वहाँ पे पेड़ के नीचे कितने अच्छे तरीके से सो रहा है। तो इस वजह से इसका जो एक्टिविटी है यानी कि चलने फिरने का या घूमने का या बैठने का ये सब कुछ नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन वहाँ पे देख सकते हैं आप साफ तरीके से शेर वहाँ पे सोया हुआ है। पटना चिड़ियाघर में या किसी भी चिड़ियाघर में जाएंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का मैप देखने को मिलेगा, जो कि जो चीज़ जहाँ पर है, मतलब जिस जीव को जिस जगह पर रखा गया है उस जगह को कुछ इस प्रकार से मैप के थ्रू दिखाया गया रहता है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप किस तरीके से ये बना हुआ है। जहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आपको सारा चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, तो इसलिए हम दिखा दिए हैं। तो अगर आप पटना जू या किसी भी जू में जाए तो पहले मैप का एक फ़ोटो ले ले, उसके बाद आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या चीज़ है। तो पटना जू में अब हम आ चुके हैं सांप के रूम के पास, जहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो है अंदर से घूम कर आ रहे हैं। और अभी इसके अंदर में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि इसके अंदर में ढेर सारा सांप है और उसमें ज़्यादातर अजगर है। ऊपर देख सकते हैं सांप का प्रतिमा बनाया गया है और इसी रूम में जो है वो पटना के चिड़ियाघर में सांप का है, जो सारा सांप जो है वो इसी में है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं सांप का प्रतिमा बनाया गया है और यहाँ पे काफी सारे लोग जो है वो देखकर बाहर निकल रहे हैं। और अभी हम अंदर चलते हैं, तो चलिए देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का बना भी थोड़ा अजीब है, गुफा टाइप का। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सर्पगृह प्रवेश, यानी कि एंट्री इंग्लिश में। और यहाँ पे देख सकते हैं पंखा भी चल रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे लोग जो है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको दिखा है सांप, तो देखिए लिखा हुआ है ऊपर में अजगर और नीचे में दिखा है, तो देखिए वहाँ पे जो है वो अजगर एक ऊपर बैठा हुआ है, एक नीचे वहाँ पर बैठा हुआ है। और इसमें लिखा हुआ है धामिन, यहाँ पे देख सकते हैं चित्र भी बनाया गया है और इसके बारे में पूरा कुछ लिखा भी है कि ये कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, क्या होता है इससे। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे धामिन है जो कि एक दिख रहा है, यहाँ पे एक अंदर में दिख रहा है, एक वहाँ पे दिख रहा है और पानी पीने के लिए भी रखा हुआ है और इसको खाने के लिए छोटा छोटा मुर्गी भी रखा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं दो मुर्गी यहाँ पे रखा हुआ है और एक मरा हुआ है वहाँ पे सामने देख सकते हैं। तो इसके अंदर में यहाँ पे देख सकते हैं कोबरा रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं फोटो भी लगाया गया है और इसके बारे में पूरा अच्छे से बताया भी गया है, आप लोग पहुँच करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए कोबरा दिखाते हैं, यहाँ इसी के अंदर में कहीं पर होगा छुपा हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कोबरा जो है बिल्कुल नज़दीक में आ चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं चल रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक सबसे भयानक जो अजगर है वो खा पी कर आराम से ऊपर देख सकते हैं कहाँ पे चढ़ गया है और ये शीशा के अंदर में है, लेकिन पूरा जंगल का मज़ा ये ले रहा है आप देख सकते हैं चिड़ियाघर में भी, और एकदम आराम से बैठा हुआ है। नीचे देख सकते हैं काफ़ी सारा ढेर सारा बड़ा बड़ा दोस्तों मुर्गा रखा हुआ है उसको खाने के लिए, और ये जो है वो ऊपर आराम से बैठा हुआ है कुछ इस प्रकार से। और यहाँ से बाहर निकलने वाला है एग्जिट, तो अभी हम बाहर सांप के घर से बाहर निकल रहे हैं। तो फाइनली पटना के चिड़ियाघर में दोस्तों सांप का जो घर था उधर उस तरफ से दोस्तों एंट्री था और यहाँ से अंदर देखते हुए सब लोग जो है वो बाहर इधर एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहुँच गए हम शुतुरमुर्ग जहाँ पे है पटना जू में वहाँ पर, और इसके बारे में देख सकते हैं काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, पहुँच करके पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जो है वो देख रहे हैं शुतुरमुर्ग को बिल्कुल नज़दीक से, तो चलिए वहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को। तो अब हम पहुँच चुके हैं शुतुरमुर्ग के बिल्कुल नज़दीक में और देख सकते हैं कितना बड़ा ये शुतुरमुर्ग है और कैसा है। आ गए हैं एक नया जीव को देखने के लिए जिसका नाम है उद्बिलाव, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, कैमरा उल्टा होने की वजह से इसमें उल्टा दिख रहा है। और यहाँ पे एंट्री होने वाला है जो कि ये ज़्यादातर देख सकते हैं जो दुनिया में है वो इंडिया में तो हर जगह पाए जाते हैं, बाकी कुछ देशों में पाए जाते हैं, बाकी जगहों पर ये नहीं पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर है, चलिए अंदर में चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं इसका नाम उद्बिलाव है, पहले बताए थे, और ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, पानी में बिल्कुल अच्छे तरीके से तैर भी रहा है और खाने में ये ज़्यादातर मछली खाता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये मछली खा भी रहा है, इसके अंदर में मछली कुछ रखा हुआ है जिसको वो खाता है अच्छे से। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से मछली को खा रहा है अपना, तो इसका मुख्य भोजन जो है वो मछली ही होता है, इस वजह से ये बहुत अच्छे तरीके से मछली को ये खाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक साथ कितने आदमी देख रहे हैं, और कुछ इस प्रकार का ये बना हुआ है जो आने वाला है इधर से, और इधर पानी रखा हुआ है जिसमें ये उद्बिलाव है। अब उद्बिलाव के रूम से बाहर निकलने के बाद यहाँ पे जस्ट इस तरफ देख सकते हैं काफ़ी सारे जो पक्षी होते हैं उसे रखा गया है, और ये काफ़ी बहुत बड़ा बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे एक जो है उसमें ज़्यादातर पक्षी है। और यहाँ पे देख सकते हैं पक्षी में जो है वो मोर को इसमें ज़्यादातर रखा हुआ है, बाकी एक दो जो है वो उधर है और दो यहाँ पर है। यहाँ पर देख सकते हैं नज़दीक से दिखा तो कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, इसका पंख अच्छे से नहीं है, और अंदर में जितने भी है जिसके पास कोई ऐसा मोर नहीं है जिसके पास बड़ा बड़ा जो पंख होता है वो नहीं है, लेकिन मोर जो है वो इसमें 8-10 है। और यहाँ पे देख सकते हैं खा रहे हैं,
और दोस्तों देख सकते हैं उधर से एक उड़ के आया, खाने के लिए उधर रखा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से पक्षी है। और यहाँ पर इस जाल में तो एक ही जगह में ज़्यादातर मोर रखा हुआ है, बाकी उस तरफ है। तो चलिए उधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मोर के रूम के जस्ट सामने इधर देख सकते हैं काफ़ी सारा रूम बनाया गया है जिसमें काफ़ी सारा पक्षी को रखा गया है। चलिए नज़दीक से आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक रूम बनाया गया है जिसमें देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादातर छोटा छोटा पक्षी है। एक ये इधर दो बैठा हुआ है, दो इस तरफ दिखाया तो यहाँ पे बैठा हुआ है, बाकी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बैठा हुआ है। इसको अंदर छोटा छोटा घोंसला टाइप के ही बना दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक चिंतल नाम का पक्षी है जो कि पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, और इसका बोर्ड लगा हुआ है, पोज करके पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारा यहाँ पे बैठा हुआ है, देख सकते हैं कुछ इधर बैठा हुआ है, कुछ आगे बैठा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार का हरिण जैसा दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जेब्रा के पास। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इसके बारे में, पहुंच करके पढ़ सकते हैं आप लोग। यहाँ पे दिख भी रहा है जेब्रा। हैं पटना चिड़ियाघर के अंदर में जो तालाब है वहाँ पर देख सकते हैं, ये तालाब है और इसके अंदर में बोटिंग भी कर सकते हैं। वहाँ पे पीछे देख सकते हैं एक रूम बना हुआ है जहाँ से टिकट ले सकते हैं, और इसके अंदर में देख सकते हैं ढेर सारे लोग जो है वो बोटिंग कर भी रहे हैं। तो इसका नाम है नौका विहार। दर जो है सीट, दो सीट जो है 80 रुपये में और 4 सीट 100 रुपये में प्रति घंटा के हिसाब से दोस्तों ये चला सकते हैं। यहाँ पे अब आ गए हैं बिल्कुल नज़दीक में जहाँ पे टिकट मिलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं टिकट रूम बनाया गया है, काफ़ी सारे लोग जो है टिकट वहाँ सामने से ले रहे हैं। अभी हम नीचे आ गए हैं और वहाँ से आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले अगर बिना टिकट का भी आप लोग इससे घूम सकते हैं जहाँ पे अभी हम आए हैं, क्योंकि हमें बोटिंग करना नहीं है। और कुछ लोग देख सकते हैं वहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं अंदर में, और इस तरफ दिखा है तो बोटिंग अगर करना है तो वहाँ पे देख सकते हैं जो एक लोग है वो बोट को पकड़ के रखे हुए हैं। और दोस्तों इसका जो भी चीज़ है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और वहाँ पे आप जाएंगे तो उसमें आपको पहले पहनाया जाएगा जो इसका होता है पहनने वाला कोट टाइप का, और वो पहनने के बाद आप बोटिंग आराम से कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कुछ लोग जो है वो बैठ गए हैं और बोटिंग करने के शुरू कर दिए हैं। तो देख सकते हैं इसके अंदर में कितने सारे लोग जो है वो बोटिंग कर रहे हैं, और ये करना बहुत अच्छा लगता है बहुत लोगों को, और हम भी करना चाहते थे, बट क्या है कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम है, इस वजह से अभी हम जा रहे हैं। आप लोगों को दिखा दिए हैं कि अगर आप लोग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आकर ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम दोस्तों आ गए हैं जिराफ रूम के पास। यहाँ पे देख सकते हैं जिराफ जो है वो, दो जिराफ अंदर की तरफ जा रहा है रूम के तरफ, और इसको खाने के लिए देख सकते हैं कुछ उस प्रकार का बना हुआ है। इसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। और देखिए अंदर में जा रहा है और खाने के लिए देख सकते हैं इसको काफ़ी ऊपर करके बनाया जाता है ताकि ये जो नीचे ज़मीन का घास है उसे खाने में इसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, वो नहीं खा पाते हैं, इस वजह से कुछ इस प्रकार का इसको बनाया जाता है खाने के लिए। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये रूम बनाया गया है। और अब हम पहुंच चुके हैं पटना के दोस्तों एक रूम के पास जिसमें दोस्तों व्हाइट जो मोर होता है वो है, और ये तो एक ही है लेकिन बहुत ही प्यारा दिख रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये व्हाइट मोर है जिसको रखा गया है, और ये अकेला ही है और इसके बगल में कोई और नहीं है, दो तीन रहता तो काफ़ी और भी अच्छा लगता है, देख सकते हैं आप लोग। फाइनली हमने 2 से 3 घंटे में पूरा के पूरा जो पटना का चिड़ियाघर है वो हम घूम लिए हैं, और घूम कर लगभग अब हम इस चिड़ियाघर से बाहर निकलने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, पहले के जो लोग थे वो कुछ इस प्रकार से थे, और धीरे धीरे हम लोगों का शरीर कुछ इस प्रकार का हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है, और उसके बाद यहाँ से बाहर एग्जिट होने वाला है। तो अभी थोड़ी ही देर में अब हम एग्जिट होंगे और बाहर निकलेंगे, और उसके बाद दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।